Hello and welcome everyone to this session on percentages. और आज की क्लास में आपको percentages के बारे में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और ये एक ऐसा टॉपिक है जो हमारा DI में भी काम आता है, प्रॉफिट लॉस में भी काम आएगा, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में भी काम आएगा और बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस हैं जो कि इस टॉपिक को लेके सॉल्व किए जाते हैं और खुद परसेंटेज से भी अच्छे खासे क्वेश्चन हर साल हमारे एग्जाम में देखे जाते हैं. तो आई होप यू ऑल आर रेडी विद यू नो फॉर दिस अमेजिंग जर्नी ऑन योर फॉर योर परसेंटेजेस. नाउ गाइस, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आज जो जो मैं साथ में करवाऊंगा आपने साथ साथ में वो क्वेश्चंस करने हैं, राइट. और वो क्वेश्चन करते करते आपने जो जो आंसर आप देंगे उससे आपको पता चल जाएगा कि आप सही आंसर दे रहे हैं, गलत आंसर दे रहे हैं. और साथ साथ में आंसर देते रहिएगा और देखेंगे कौन बंदा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है वो सही ठीक करता है. और इसके साथ साथ में एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ भाई सब लोगों के लिए, वो ये है कि भाई आप लोगों ने ये इंश्योर करना है कि आज की क्लास के बाद आपने टेस्ट देना है ऐप के ऊपर. और ये कोड नोट कर लीजिए, MQT201P परसेंटेजेस. स्वागत है, तह दिल से स्वागत है यहाँ पे इस क्लास के अंदर. और मैं हूँ आपका दोस्त सोनी गोयल, राइट. मैं आई विल बी टेकिंग यू थ्रू दिस क्लास. और भाई मैंने 11 बार आई हैव क्रैक्ड दिस एग्ज़ाम, राइट. एक बार अपने लिए किया था, बाकी सब बच्चों के लिए करते हैं सो दैट आपको बता सके कि पेपर में क्या क्या आता है, कैसे आता है, राइट. और दूसरी चीज़ जो है कि आई हैपन टू बी एट प्लेस कॉल्ड IIM अहमदाबाद, PGP जो प्रोग्राम है, राइट. 2004-2006 वहाँ से आई डिड प्रोग्राम, यू नो, MBA फ्रॉम दिस प्लेस 2004-2006. नाउ जो हमारा परसेंटेज है, फुल परसेंटेज है, उसका ये सारा प्रोग्राम है जो मैंने आपको लिखा है. सबसे पहले बेटा बेसिक तीन कैलकुलेशन होती है, ठीक है भाई. शुरू करते हैं सब लोग, ओके, रेडी, राइट. और जो जो लोग चैनल वैनल वाला प्रोग्राम करना चाहते हैं वो खुद से ही कर देना भाई, मेरे को इतना ज़्यादा इसमें पता है नहीं आपका, राइट. मिशन कैट को कैसे कैसे बढ़ाना है, आपका चैनल है, आप लोगों ने बढ़ाना है, राइट. आई होप यू आर लाइकिंग वीडियो. और जो जो भी आपके कमेंट्स हैं प्लीज़ डू देट. और आज की क्लास के बाद यू नो आपको कैसा लगा तो #missioncat टाइप करके, राइट, आप बता सकते हैं अलग अलग जगह पे. How was today's class? #missiontag टाइप करके जहाँ जहाँ भी आप यूज़ करते हैं ये प्लेटफॉर्म पे बता सकते हैं कि आपको कैसा लगा, ठीक है. तो बेटा जो आज की क्लास है उसके अंदर हम जो करेंगे वो हम ये वाले टॉपिक्स कवर करने वाले हैं परसेंटेजेस में से. ए इज़ व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ए परसेंटेज ऑफ बी बाय व्हाट परसेंटेज ए इज़ ग्रेटर देन और लेस, ये हमारा बेसिक परसेंटेज का कैलकुलेशन है जो कहीं भी काम आता है. सेकेंड वाला हमारा कैलकुलेशन हो गया भैया रिवर्स परसेंटेज, परसेंटेज ऑफ परसेंटेज एंड रेजिडुअल वैल्यू. ये तीनों चीज़ फिर हम लेवल टू पे आज ही करेंगे, आज ही कराऊंगा. और लास्ट में जो तीन चीज़ें हमारा सक्सेसिव चेंज, मल्टीपल चेंज, इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है. बट भाई सीधा तो इस पर नहीं चढ़ सकते ना, सीधा तो नहीं कर सकते, पहले इसके बेसिक्स तो अच्छी तरह से चमकाने पड़ेंगे, नहीं. और ये जो क्लास है हम ऑलवेज बेसिक्स को एडवांस करते हैं, खाली एडवांस वाला या छुटकू फुटकू क्लास नहीं करते हैं. पूरा आपको यू नो कंप्लीट क्लास मिलेगा जो आपको बहुत हेल्पफुल रहना चाहिए, ठीक है भाई. सो ऑल गुड, ग्रेट टू स्टार्ट, ग्रेट टू गो. लो भाई, सबसे पहले आपका आ जाता है परसेंटेज को हम यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है. तो परसेंटेज को यूज़ करने का कहानी समझिए कि हम परसेंटेज यूज़ क्यों करते हैं. परसेंटेज यूज़ करने का एक ही कारण है, वो क्या कारण है कि भाई हम परसेंटेज के साथ कंपेयर कर सकते हैं, राइट. और ये एक कॉमन बेंचमार्क की तरह एक्ट करता है. फॉर एग्जांपल राम को 400 नंबर आए, शाम को 450 नंबर आए, भैया हम ये नहीं बता सकते कि किसके मार्क्स ज़्यादा हैं क्योंकि हमें नहीं पता कितने में से आए. बट अगर हम कह रहे हैं कि राम का 400 नंबर आया, शाम का 500 आया, तो इसमें से ये जो है आपके 80% नंबर वाह हो गए इसके, और ये भैया के 75% आ गए. क्योंकि जो परसेंट आ गया तो कॉमन बेस आ गया, राइट.
तो कॉमन बेस आने से बेटा जी क्या होगा, कॉमन बेस आने से हम कंपेयर कर पाएंगे, कॉमन बेंचमार्क मिल जाएगा पर सेंट, क्योंकि हमारा जो 100 वाला सिस्टम है, जिस सिस्टम को हम मैट्रिक सिस्टम कहते हैं, जिसमें 10 100, तो उसमें इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंगली 100 बिकेम वेरी इंपॉर्टेंट एंड परसेंटेज इज क्वाइट वाइडली यूज एज कंपेयर टू फ्रैक्शन. बट परसेंटेज और फ्रैक्शन दोनों हाथों हाथ चलते हैं, राइट. गुड आफ्टरनून जैश बोर्ड से. सो अब हमारा 3 कैलकुलेशन आ गया. इन 3 कैलकुलेशन को देखेंगे बेटा जी, ये हमारे कैट में कहाँ यूज़ होते हैं और डेली लाइफ में कहाँ ये 3 परसेंटेजेस यूज़ होते हैं. जैसे सपोज कीजिए आपके यू नो स्कूल के मार्क्स आते हैं, तो आपके मार्क्स आए 750 में से लेट अस से 600, सो यू कैन वेरी वेल फाइंड योर परसेंटेज, राइट. ए क्वांटिटी डिवाइड बाय बी क्वांटिटी इनटू 100 हमारा परसेंटेज आ जाता है जी. इसमें कोई शक कोई सवाल, इसको कट कट फटाफट कर देंगे, राइट. तो भाई आपको आंसर आ जाएगा, ये आ गया हमारा 75 पे जाएगा, तो 0 से 0 कट गया, 15 5 75, 15 4 60, ये 20 पे कट गया, तो 20 80% आ गया. इज इट क्लियर? सो ए इज व्हाट परसेंटेज ऑफ बी, ए ऊपर लिखा बी नीचे लिखा, कैलकुलेट कर दिया, ठीक है. जैसे आप अपने मार्क्स कैलकुलेट करते हैं, या हम कहते हैं कि भाई एक वोटर को 7383 वोट्स डली और टोटल 41485 वोट्स था, तो इसमें से हम एग्जैक्ट नहीं भी निकालेंगे तो हम मोटा मोटा आइडिया लगा सकते हैं कि यार इसको 52% वोट्स डली है, ठीक है. सो ए डिवाइड बाई बी इन टू 100, दिस विल गिव मी द परसेंटेज. ए परसेंटेज जो भी, मान लीजिए भाई आपने मोबाइल खरीदना है, मोबाइल का एमआरपी है, ठीक है, 18,000. उस 18,000 पे अभी 15% कैश बैक चल रहा है, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे इसका? 15% कैलकुलेट कर लेंगे, कैसे हो जाएगा? 18,000 इंटू 15/100, ठीक है, ये कट करके आपका 2700 रुपीज़ आपका कैश बैक हो गया. 2700 माइनस कर देंगे अगर ज़रूरत पड़ेगी. फिर आ जाता है ए का बी से कितना ज़्यादा है या कितना कम है, हाउ मच ए इज ग्रेटर देन बी और स्मॉलर देन बी. जैसे कि हमने 40 लिखा और यहाँ लिख दिया 50, तो 40 जो है 50 से कितना कम है या 50 40 से कितना ज़्यादा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कैलकुलेशन है, क्योंकि इसमें जो बेस है वो चेंज हो जाता है, ठीक है ना भाई. पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड, क्योंकि बेस चेंज हो गया. यहाँ से अगर हम देखेंगे कितना है तो ये 10 ज़्यादा है, ये कितना कम है भैया, ये भी 10 कम है. बट अगर हम देखेंगे इसका परसेंटेज तो ये 10/50 × 100, राइट. तो ये भैया गुना 100 कर दिया तो ये 20% कम आ गया. तो कम तो 20% है, बट अगर ज़्यादा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10/40 × 100, ठीक है, 40/100, तो ये 25% हो जाएगा. तो देखने वाली चीज़ है कि जब भी हम परसेंटेज लेते हैं तो कम वाला परसेंटेज कम होता है, ज़्यादा वाला परसेंटेज ज़्यादा होता है. मींस एक वैल्यू से अगर कोई वैल्यू इंक्रीज होगी, इंक्रीज परसेंटेज विल बी हायर एज कंपेयर टू द डिक्रीज ऑफ द सेम वैल्यू. व्हाई इट इज़ लो, व्हाई इट विल बी लो, क्योंकि बेस चेंज हो गया, ठीक है. बेबी को बेस पसंद है, ठीक है, परसेंटेज को भी बेस पसंद है, ठीक है. तो ये जो आप चिल्ला चिल्ला के बोल सकते हैं कि भाई कम 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 होता है और ज्यादा 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 होता है, लेस 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 और मोर 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 मोर, लम्बा 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 फार्मूला याद कर सकते हैं, ये आपको बहुत काम आएगा, बहुत ज्यादा काम आएगा. आई होप ऑल दीज 3 कैलकुलेशन आर क्लियर. तो भैया जानने से काम नहीं बनता है, करने से काम बनता है. तो हम अभी क्या करते हैं, अभी आपको ये करके दिखाते हैं फटाफट. पहले वाले में ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी दोनों का परसेंटेज मेरे को लिख के सेंड कर दीजिए, देखते हैं कौन कौन सेंड करता है. बाकी 2 का मैं आपको करवा देता हूँ. इन 2 का आपको सेंड करना है, 1 वाले का सेंड करना है और 3 वाले का सेंड करना है, ठीक है. देखो भाई 2 वाले का आंसर कैसे आया, 100 डिवाइड बाई 500 इंटू 100, कट कट फटाफट 20% आ गया. पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, पीछे हम 5% लिखेंगे और यहाँ पे ये यूनिट सेम होना चाहिए. कई बार यहाँ पे ये झोल कर देता है, गड़बड़ कर देता है,
ठीक है, और ये ध्यान रखना है यूनिट सेम होना चाहिए, अगर नहीं दिया हुआ तो नहीं दिया हुआ। 27.5 लिखा और नीचे 550 लिखा इंटू 100 लिख दिया, ये हमारा 5% आ जाएगा। ये परसेंटेज को जितना अच्छे तरीके से कर लोगे उतना अच्छा रहेगा। वेरी गुड, जिन्होंने बताया 25% है, फर्स्ट वाले का नो डाउट 25% है, थर्ड वाले का 20% नहीं है बेटा। आर को प्रभुदास आपका गलत हो गया, पहले वाले का 25 है, सेकंड वाले का 45/360, ठीक है। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इन 200। तो ये कट गया, 9 पे जाएगा, 9 पे यहाँ 5 आ गया, 9 पे यहाँ 4 आ गया, तो ये बेटा जी 12.5% आ जाएगा, ठीक है। तो परसेंटेज कैन बी कन्वर्टेड इनटू, या सार्थक बत्रा बहुत सही बताए हैं, और आपने पौशली मित्रा का पहला आंसर सही है, राइट। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल विच क्वेश्चन यू आर डूइंग, राइट। सो 12.5 है। ऋतिक मंगरारानी बिल्कुल सही है। प्रांजलि ठाकरे बहुत बढ़िया बेटा, परसेंटेज इसका बिल्कुल सही, क्लियर आ गया आपका। तो फर्स्ट टाइप ऑफ कैलकुलेशन इज वेरी क्लियर टू यू। सेकंड टाइप ऑफ कैलकुलेशन करते हैं जब हमें परसेंटेज निकालना होता है। यहाँ के लिए देखिए, जैसे हमने 300 का 20% निकालना है, तो बेटा जी कैसे करेंगे? पहले तो देखो, कोई भी चीज़ खुद का 100% ही होती है, राइट। तो आप भी तो खुद के 100% है ना, तो कभी भी खुद को मार्क्स देने हैं तो 100% से कम नहीं दीजिएगा। कोई भी खुद को इवेल्युएट करने को बोले कि भाई हाउ डू यू रेट योर इंटरव्यू, ऑलवेज गिव सर आई गिव 10 out of 10 बिकॉज आई हैव गिवन माई बेस्ट एंड माई क्राइटेरिया इज गिवन बेस्ट, और बाकी आपका क्राइटेरिया क्या है आप खुद की जाने। हम तो भैया खुद का नंबर खुद में से पूरा ही रहता है, बट जब हमने कोई परसेंटेज कैलकुलेट करनी है तो 300 × 20/100 कट कट फटाफट आपका आंसर 60 आ जाएगा। दिस इज अ लॉन्ग मेथड एंड ट्रेडिशनल मेथड। इसके साथ में हम एक और मेथड यूज कर सकते हैं, वो मेथड मैं आपको बताता हूँ कैसे यूज करते हैं। कैसे यूज करते हैं, 300 ये पूरा 100% है, एक डॉट लगा दीजिए बेटा जी, ये आपका 10% आ गया। एक और डॉट लगा दीजिए, ये आपका 1% आ गया। अब कहानी क्या है, कहानी कहाँ है, कहानी क्या कहती है? कहानी कहती है कि अगर भैया हमें 12% चाहिए होगा तो 10 ये ले लेंगे, 2 ये ले लेंगे, 36 आंसर आ जाएगा। अब 20 चाहिए, इसका 2 हिस्सा ले लीजिए, 60 आंसर आ जाएगा। 85% चाहिए तो 1 way is 600। मैं दोबारा से इसको इरेज कर देता हूँ, कराता हूँ आपको कैसे आएगा 600। नेक्स्ट वाले दो आपने खुद करने हैं, फटाफट आंसर लिख के भेजो इसका, 600 × 85/100 कट कट फटाफट। ये यहाँ पे कट मार दिया हमने, कट मारने के बाद क्या हो गया, ये आ गया हमारा 510। पर ये करने के पहले हम ऐसा भी कर सकते हैं, क्या कि 85% का मतलब होता है 100% में से 15% कम कर देना, सब्ट्रैक्ट 100 में से 15%। सो वी गेट टू नो वेरी इजीली दैट 10% इज 60 एंड 5% इज 30, सो 600 में से 90 माइनस करेंगे 500। ओके, सो दिस मेथड विल बी क्वाइट यूजफुल व्हेन यू विल बी डूइंग दिस, लाइक 96% ऑफ 450। तो वी नो 450 इज 1% इज इक्वल टू 4.5 बेटा जी, 2% ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 9, और अगर 4% ऑफ दिस विल बी इक्वल टू 18, यहां से 18 माइनस कर देंगे 432, भागा भागा आपका आंसर आ गया। आई होप इट इज हेल्पफुल। जो जो आपको अच्छा लग रहा है उसको शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और ये अपने सभी कॉलेजेस ग्रुप में आप शेयर कर सकते हैं। कैट के लिए आपकी जो तैयारी है उसका बहुत ही अच्छा मित्र, राइट, मिशन कैट बठिंडा टू IIMs, राइट, और अदर गुड बी स्कूल्स इन द कंट्री। अब ये वाला भैया 400 हो गया, 50%, 40 हो गया, 5%, 440 इज द आंसर, ठीक है। ध्यान आया ये? तो ये आंखों आंखों में निकलना शुरू हो जाएगा आपका, ठीक है। ट्राई टू मेक श्योर दैट यू आर एबल टू डू, यू नो, आंखों आंखों में करने की कोशिश कीजिएगा, तो आंखों आंखों में करेंगे बहुत हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। आंखों आंखों में और बहुत कुछ कर लेते हैं लोग, ये तो फिर कैलकुलेशन है, ठीक है। गुड आफ्टरनून, या वेलकम रूबी कंसल, वेलकम टू द क्लास डियर,
ठीक है, चलिए भैया आगे चलते हैं। तो ये आ गया हमारा एक्सप्रेसिंग अ फ्रैक्शन ए बाय बी इन परसेंट, कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे 1/1 है, इसको भैया हम 100% लिख सकते हैं। बेटा जी 1/2 क्या होता है, 50% होता है। ये बेटा घर पे कर लेना, बहुत ज़्यादा होगा, खास करके जिनका कैलकुलेशन वीक है। 1/3 क्या होता है, 1/3, अच्छा 2/2 क्या होता है, 100%। ठीक है, तो 1/3 हो गया 33.33%, और 2/3 हो गया बेटा जी 66.6%। ऐसा ऐसा सारा परसेंटेज, फ्रैक्शन टू परसेंटेज, परसेंटेज टू फ्रैक्शन, ये आपको बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, ये होमवर्क है आपका, घर पे कर लीजिएगा। क्या करना है कि भाई जो वीडियो देख रहे हैं, रिकॉर्डेड वाला वीडियो देख रहे हैं बेटा, वो तो अभी कर लो। ठीक है, राइट नाउ यू कैन डू दिस। और जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं बेटा, डू इट एट होम। कहाँ तक करना है, 1/20 तक। इट विल बी अ वेरी गुड प्रैक्टिस फॉर योर योर दिस थिंग। अभी के लिए जो मैं टिक कर रहा हूँ, मेरे को इनका वैल्यू बताइएगा ज़रा। ठीक है, टेल मी द वैल्यू ऑफ दीज फ्रैक्शंस, ये फ्रैक्शंस की वैल्यू बताइए, परसेंटेज में कितना बैठेगा ये। ठीक है, कितना बैठेगा परसेंटेज में, ज़रा बताइए फटाफट सभी लोग। एंड जो लोग नए हैं भैया, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आई एम सोनी गोयल, राइट। बाकी सर्च करना है तो भैया आप यूट्यूब पे सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, रेस्ट, राइट, ओके। तो 3/8 क्या है, ये आपने देखना है। ठीक है, 3/8 बेटा जी होता है 37.5। जितना ज़्यादा आपको ये अच्छे तरीके से याद हो जाएगा, उतना कैलकुलेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। 4/6 क्या हो जाता है, 4/6 हो जाता है आपका 2/3, विच इज़ इक्वल टू 66.66%। 4/25, 1/25 4% हो गया, 4 का 4 16%, राइट। और ये कट हो जाएगा बेटा, कट करके हम देखेंगे, ये आ जाएगा 2/5, 2/5 होता है हमारा 40%। तो ये परसेंटेज टू कैलकुलेशन, कैलकुलेशन ये बहुत अच्छे तरीके से आना चाहिए। अजय जैन जी बिल्कुल सही है, आकृति गुप्ता बहुत ही अच्छा बच्चा, राइट। और इस सैटरडे को आपका इंटरेक्टिव सेशन है मेरे साथ, जो कि जूम पे होगा, राइट, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, कैट पे चर्चा नाम से है। सो यू, इट इज़ ए ओपन सेशन, यू कैन आस्क योर डाउट एंड इंटरेक्ट विद मी ऑन एवरी सैटरडे 12 to 1, राइट। कैट पे चर्चा जूम ऐप पे लाइव रहता है बेटा जी, वो कैट पे चर्चा, राइट, वो पर्सनल इंटरेक्टिव सेशन है जिसमें मैं भी आपसे इंटरेक्ट कर सकता हूँ, राइट। तो कैट पे चर्चा वाला प्रोग्राम वो चलता है, ओके। नेक्स्ट चलते हैं बेटा जी, हमारा ये क्वेश्चन आ गया, ये क्वेश्चन क्या कहता है, एक्सप्रेसिंग परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ, ये देखो, ये मेरे को बताइएगा इसका परसेंटेज का फ्रैक्शन क्या होगा, व्हाट विल बी फ्रैक्शन ऑफ दीज परसेंटेजेस। ठीक है, ठीक है, दिस ऑल्सो मैंने बोला ना भैया, फ्रैक्शन टू परसेंटेज एंड परसेंटेज टू फ्रैक्शन, जितना अच्छे तरीके से कर लेंगे उतना आपके लिए अच्छा है, लाभदायक है, बेनिफिशियल है, बेने है, बेने, बेने मतलब गुड, बेने रूट है वर्ड का। ठीक है, इसके ऑपोजिट होता है मैल, मैल मतलब बेकार। चलो, तो ये 1/8.33 आता है 1/12, ये जो आएगा दिस बिकम्स 1/8, दिस इज योर 1/11, and this is your 3/8. When you will be writing fractions, you know, on your copy, you will automatically will be able to see कि कौन सा fraction कैसे behave करता है, right? कौन सा fraction कैसे behave करता है, ये आपको अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। ये question नहीं है सीधे, but ये बहुत आपको help करता है और time saving भी करता है। बहुत लोग ये कहते हैं पर करते नहीं। I स्ट्रॉन्गली रिकमेंड के बेटा इसको अच्छे तरीके से करो, खास करके जिनका मैथ्स वीक है, इस चीज़ को चमका लीजिए, राइट। और मे बी 3-4 बार कर सकते हैं, 2-3-4 बार कर सकते हैं, क्योंकि जितना आप करेंगे उतना आपको बेनिफिट होगा, राइट। कुछ नहीं है, बस आपको ये याद होना चाहिए कि भाई अगर मैं 7/8 कहता हूँ तो क्या बनेगा, 7/87.5% बनेगा। अगर मैं 4/
ठीक है, 9 कह रहा हूँ तो ये 44.44% बनेगा। कुछ पैटर्न्स होते हैं इसमें, वो जब आप लिखेंगे आपको नज़र आ जाएंगे। ओके जी, ये बेटा आप मेरे को परसेंटेज चेंज का कैलकुलेशन करके दिखाएंगे। 1, 2, 3, 4, ये चार कैलकुलेशन दिखाइए, बताइए इसमें कितना परसेंटेज चेंज हुआ। हाउ मच परसेंटेज चेंज इज देयर इन ईच वन ऑफ देम, हर एक में कितना परसेंटेज चेंज है इसमें, वो आप मेरे को बताइए फटाफट। राइट, हाउ मच इज द परसेंटेज चेंज इन ईच वन ऑफ देम, ये मैं आपके लिए कर देता हूँ। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट क्या है, ये हो गया 25%, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, ये वाला -5% हो गया। इजी है ना, क्योंकि बेस 100 ही है। ठीक है, तो भाई अगर किसी को प्यास लगी है तो पानी भी पी सकते हो ना, ब्रेक लेके। ठीक है, आजकल गर्मी है तो पानी पीते रहेंगे, बढ़िया रहेगा। तो यहाँ से अगर हम करेंगे, दिस बिकम्स 33.33%। राइट, क्यों, क्योंकि ये कट करेंगे तो बेटा जी ये क्या हो गया, 3 से 4 होने वाली बात हो गई। अगर इसको कट करेंगे हम, ठीक है, इसको कट करके क्या बनेगा, इसको कट करेंगे तो इसको कट करके ये 5 हो गया, ये 4 हो गया, तो 5 से 4 कम हो रहा है, 1/5 ये आ गया, 20% डिक्रीज आ गया ये आपका। ठीक है, डिक्रीज आ गया 20%। ठीक है, ठीक है भाई, समझ में आया सबको? किसी को कोई डाउट है बोलिए, एनीबडी हैविंग एनी डाउट यू कैन आस्क दिस। अच्छा, ये चारों आंसर बताइए फटाफट, देखते हैं किसने जवाब दिया है, किसने नहीं दिया है, हु हैज आंसर्ड, हु हैज नॉट। राइट, मैं जो देख पा रहा हूँ आप में से, आ गया आ गया, फटाफट दो भाई आंसर, फटाफट जल्दी से पहले गिव द आंसर्स। राइट, जल्दी से पहले आंसर दीजिए फटाफट। ओके ओके ओके, वेरी गुड, दिस कम्स आउट, दिस इंक्रीज इज योर 20%, राइट, एंड दिस डिक्रीज इज योर 40% डिक्रीज, राइट, दिस इंक्रीज इज 12.5% एंड दिस डिक्रीज इज 22.5%, बिकॉज 90 डिक्रीज हुआ ना, तो 90 किस पे डिक्रीज मारेंगे, 90 विल बी ऑन 400। आई होप, वेरी गुड, जयेश चंदानी, निवेदिता सिंह, सबको बहुत बहुत बढ़िया बच्चा लोग। ठीक है, अब ये जो यहाँ तक मैंने कराया ये आपके पेपर में नहीं आएगा, ठीक है, नहीं आएगा, बट ये सब चीज़ों में काम आएगा। राइट, सब चीज़ों में काम आएगा, इट विल बी यूजफुल इन योर DI, इट विल बी यूजफुल इन योर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड, इन सभी टॉपिक में आपको बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। ठीक है जी, ठीक है, और आज जैसे मैंने बताया, आज का क्लास आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में #SOGO #MissionCat लिख के आप प्लीज़ डू कमेंट कि आपको ये क्लास कैसा लगता है। ठीक है, ये क्लास कैसे लगा आपको बहुत ज़रूर बताना है। चलिए, अब हमारा जो पहले वाला था वो वार्म अप मोड था। ठीक है, अभी तक जो मैंने कराया है ना वो वार्म अप है, क्लास तो अभी शुरू हुई है। जैसे डोसा बनाने वाला पहले तवा गर्म करता है, नहीं है ना, तो ऐसे हम आपको वार्म अप कर रहे थे। गिव मी आंसर फॉर दिस क्वेश्चन क्विकली, सबसे फटाफट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे बहुत जल्दी में, देखते हैं भाई कौन आंसर देता है। सबसे पहले आंसर दीजिए। तो इंक्रीज किया हमारा कितना इंक्रीज हो गया, अप्रोक्सीमेटली 1000 इंक्रीज हो गया, अप्रोक्सीमेटली इंक्रीमेंट हो गया है, कितने पे इंक्रीमेंट हो गया है, 6500 पे इंक्रीमेंट, दिस इज अप्रोक्सीमेटली 15%, बिना कैलकुलेट किए मैं ये कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, कट कट फटाफट नहीं करना है। राइट, क्यों नहीं करना है भाई, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन है वो आपको, आप ऐसे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप लिख के ही करेंगे। ठीक है, मोल गिरी जी वेलकम है, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राइट, तो ठीक है भाई, समझ में आया या नहीं आया, यू विल नॉट बी कैलकुलेटिंग इट, क्योंकि अगर मेरा ऑप्शन बहुत पास में होता, अगर मेरा ऑप्शन पास में होता तो मैं ऐसे करता। ठीक है, अभी क्योंकि ऑप्शन बहुत दूर दूर है, राइट, तो फिर भैया हमें ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दूर दूर है तो ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई,
ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है, राइट? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपने इसका डिफरेंस ले लेना है, व्हाट इज द डिफरेंस ऑफ दिस, ठीक है? ये डिफरेंस ले लो कितना आएगा, राइट? और ये डिफरेंस लेके देखो, राइट? क्या डिफरेंस आया बेटा आपका, डिफरेंस लेके देखो क्या आ रहा है, 975 आ रहा है, बिल्कुल सही है, डिवाइड बाय 6500 into 100। तो इससे आंसर अगर मेरा 15% आ रहा है, तो इससे भैया या तो 12 आएगा, 12 तो बहुत कम हो जाएगा, थोड़ा सा ही फर्क है, बहुत कम फर्क है, तो ये दिस आंसर विल बी 15%। नाउ लेट मी गिव यू वन मोर कॉन्सेप्ट अलॉन्ग विद दिस। अगर ये 6500 से 7500 हो जाता, सो व्हाट वुड हैव बीन योर परसेंटेज, ठीक है, क्या होता परसेंटेज आपका, राइट? बोलो भाई क्या होता परसेंटेज, क्या होता भाई आपका, क्या होता परसेंटेज, 1000 upon 6500, ये कटता ही नहीं, राइट? तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि 6500 द परसेंटेज चेंज इज 650 परसेंटेज चेंज है, ठीक है? तो भाई जितना पानी डालोगे उतना आपका ग्रोथ होगा, ठीक है? सो आप देखो कि 6500 है, और जितना आप वर्कआउट करोगे उतना ग्रोथ होगा, तो 6500 से 650 आ गया। अब हमारा है 900 सपोज करो, तो 250 और चाहिए, आई नो 1% इज 65, सो दिस विल बी अप्रोक्सीमेटली 4%, सो आंसर इज 14%, अगर मेरा 4900 है, ठीक है? अगर मान लीजिए 2000 इंक्रीज हुआ, ठीक है, तो यू से ओके 650 इज 10% अप्रोक्सीमेटली, सो 2000 विल बी अप्रोक्सीमेटली 30%, राइट? 1950 आ जाता है, 50 बच गया उसके लिए, ओके 30.8%, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व, गॉट इट एवरीवन? कैसे समझ आया भाई, समझ आया, चलो गुड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट करके दिखाएंगे, ओके 48 से हमारा 50,000 का चिंता नहीं करने का, इसको साइड में रख दो। सो दिस क्वेश्चन इज 48 to 54, सो माई इंक्रीज इज 6 upon 48, विच इज 1/8, विच इज 12.5%, गॉट इट और नॉट, 12.5%, वेरी गुड, जिन्होंने सही जवाब दिया। ये चार क्वेश्चन है, फटाफट करके दिखाइए चारों क्वेश्चन को, जल्दी से पहले मेरे को ये आंसर करके दिखाओ, ठीक है, चारों क्वेश्चन फटाफट। जी सो दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज चारों आंसर हो गए आपके फटाफट, परसेंटेज चमक जाएगा, ये लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला, राइट? ये लगा डाला तो लाइफ जिंगा लाला। चारों क्वेश्चन देखो भाई, पहले मेरा 19 का इंक्रीज है, दिस 19 इंक्रीज विल गिव मी व्हाट, व्हाट इट विल गिव मी 19 इंक्रीज, दिस विल गिव मी 25%, या 19 डिवाइड बाय 76 इंटू 100, दिस इज ए डिक्रीज ऑफ 4500 अपॉन 2500, दिस गिव्स मी 20% डिक्रीज, राइट? माइनस या डिक्रीज लिखना नहीं भूलिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। सो दिस इज ए इंक्रीज ऑफ 21 डिवाइड बाय 140 into 100, दिस इंक्रीज ऑफ 15%, हियर वी हैव इंक्रीज ऑफ हाउ मच 21 अगेन बट ऑन 112 into 100, सो इफ यू कट इट ऑन 7 दिस विल बी 3/16, सो 3/16 बिकम्स 18.75, क्योंकि 1/16 इज इक्वल टू 6.25, गॉट इट एवरीवन? आया भाई समझ में? वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, अति उत्तम। ये वाला क्वेश्चन अब करते हैं, रिवर्स परसेंटेज, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय रिवर्स परसेंटेज? जैसे हमने पहले किया था भाई, किसी नंबर का 30% मान लीजिए, ठीक है, जैसे हमने 400 ले लिया, तो 400 का 30% क्या हो गया, 120 हो गया। अब मैं ये कह रहा हूँ कि आपको 400 नहीं दिया हुआ, कोई नंबर है x, उसका 30% 120 है, तो बताओ ये x क्या है। तो व्हाट वी विल डू इज x का 30/100 इज इक्वल टू 120, या हम क्या करेंगे, x इज इक्वल टू 120 इंटू 100/30,
कट कट फटाफट, वेरी गुड पौशली मित्रा, बहुत ही बढ़िया बच्चा लोग, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और ये हो गया, यहाँ पे 4 आ गया, 40 आ गया, और एक जीरो भी तो आएगा ना, तो 400 आ जाएगा। गलती नहीं करनी है, जीरो का मिस्टेक नहीं करना है क्या भाई, राइट? जीरो का मिस्टेक नहीं करना है। और ठीक है, चलिए, ओके, इज इट क्लियर? दिस कॉन्सेप्ट ऑफ रिवर्स परसेंटेज इज क्लियर? इसमें बहुत लोग गड़बड़ करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, 120 का 30% 36 लिख के भैया वापस आ जाते हैं। रिवर्स परसेंटेज में थोड़ा ध्यान से करने का है, ठीक है? चलो अब ये तीनों क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन मैं कराता हूँ, बाकी दो क्वेश्चन आप करेंगे। देखो, 42 को डिवाइड किया 25 से, इंटू 100 कर दिया, जो चुबारे में वही गलियारे में, इंटू 4 168। क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या है, इज इट द कंप्लीट वैल्यू? नो, दिस वैल्यू इज 25% ऑफ समथिंग, तो इसके नीचे क्या आएगा, 25% आएगा। गॉट इट? ये बस ध्यान रखना है, राइट? जो चुबारे में, मतलब जो न्यूमरेटर में है, वही चीज मेरी डिनोमिनेटर में आएगी। यहां पे हम वैल्यू में लिखते हैं, यहां पे परसेंटेज टर्म्स में लिखते हैं, राइट? ये बहुत क्लियर है, बहुत काम आता है ये वाला फंडा आपको, राइट? चलो भाई, तो नेक्स्ट वाले दो क्वेश्चन फटाफट करके दिखाइए मेरे को। सार्थक बत्रा जी, बहुत बढ़िया। तो हमने क्या देखा, 25% ऑफ दिस 168 आ गया ये तो। अब यहाँ पे 35% है, किसका, 56 का। 56 डिवाइड बाय 35 इंटू 100 मार देंगे, काट काट फटाफट, यहाँ पे 8 आ गया, 8 7 56, और यहाँ पे 5 आ गया, ये 20 आ गया, 160 आपका आंसर आ गया। जब फ्रैक्शन में आ जाता है तब यूजली लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, बट अगर आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, मतलब डेसिमल में आ गया तो पहले फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो। हमें पता है भैया ये 3/8 था, वी नो ना 37/8, सो 126 इंटू 8/3, इट बिकम्स वेरी इजी, 336। आई होप एवरीवन गॉट इट, बोलो भाई, यस नो, एवरीवन गॉट इट? नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रिवर्स परसेंटेज के बेस पे क्वेश्चन है। द टैक्स ऑन फूड इन रेस्टोरेंट इज 18%, ठीक है? इफ द टैक्स पेड बाय द राहुल ऑन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ फूड, राहुल गया होगा, किसी के साथ गया होगा, अकेला गया होगा, आपको उससे कोई मतलब नहीं है। ये सवाल नहीं पूछना है कि राहुल किसके साथ गया था, क्यों गया था, क्या करने गया था, भैया उसकी मर्जी, जहां मर्जी जाए, राहुल की मर्जी है नहीं भाई। तो उसका जो टैक्स अमाउंट है वो 144 है, तो बिल अमाउंट पता कीजिए कितना होगा, ठीक है? तो 144 डिवाइड बाय 18 इंटू 100, कट कट, राइट? तो ये आ जाएगा आपका 800। सो 800 इज ए बिल एक्सक्लूडिंग टैक्स, दिस विल बी 944 इंक्लूडिंग टैक्स, राइट? क्योंकि उसने कहा है कि टैक्स पेड बाय द अमाउंट ऑफ सर्टेन बिल, राइट? तो बिल अमाउंट जो है आपका वो 144 एक्सक्लूड करके है, तो फाइंड द बिल अमाउंट, बिल अमाउंट हो गया हमारा 800 एक्सक्लूडिंग टैक्स। अगर हम टैक्स इंक्लूड करें 944 हो जाएगा, ठीक है? यू हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दिस, ठीक है? क्योंकि टैक्स कैसे लगाया गया है वो आपको देखना है ना। ए सैलरी इज 80% ऑफ बी सैलरी, फाइंड व्हाट परसेंटेज ऑफ एज सैलरी इज बी सैलरी। देखने में ये क्वेश्चन बड़ा आसान सा लगता है, पर करते वक्त थोड़ा गड़बड़ हो जाती है। तो ए बी का 80% है, तो वी कैन से ए बाय बी इज इक्वल टू 80/100। ही इज आस्किंग व्हाट विल बी बी बाय ए, बी बाय ए विल बी 100/80 इंटू 100, एंड कट कट फटाफट, दिस कम्स 125%। Got it, this one? Very good, very good. Shubham Goyal ji, 120%. Next, use of this percentage in breakup of some value. Breakup of some value. ये exam type questions करवाऊंगा मैं आपको। पहला question मैं करवाऊंगा, दूसरा question आप मेरे को करके उसका answer type करके भेजेंगे, ठीक है भाई? तो आकृति गुप्ता जी, 12.5 नहीं रहेगा बेटा, 125 आ जाएगा, ठीक है?
तो क्या है भाई, दो कैंडिडेट हैं, एक कैंडिडेट को 65% वोट मिला और 600 वोट से वो जीत गया, टोटल नंबर ऑफ वोट्स पोल्ड इज। अब इस क्वेश्चन में दो तीन चीज ध्यान रखना, ये मैंने सिंपल किया है क्वेश्चन, क्या इसके अंदर हम थर्ड कैंडिडेट नहीं ले रहे हैं, इसके अंदर हम जो आपकी इनवैलिड वोट्स नहीं ले रहे हैं और इसके अंदर हम टोटल कैंडिडेट्स नहीं ले रहे हैं, ठीक है। यूजली क्वेश्चन क्या आता है, जो पूरा मिक्स मसाला क्वेश्चन आता है उसमें रहता है भाई, टोटल मान लीजिए इतने कैंडिडेट हैं, उसमें से 20% ने वोट ही नहीं किया, जिन्होंने वोट किया उसमें से कुछ परसेंटेज ने, कुछ ये हो गया, फिर उसमें से ए को इतनी आई, बी को इतनी आई और जीतने वाले को इतनी आई। सो दैट वे वी कैलकुलेट द यू नो वोट्स। ये मैंने फर्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन दिया है आपको। सिंपल सा क्वेश्चन क्या कहता है कि भाई जीतने वाला कैंडिडेट 65% ले गया ना भैया, तो हारने वाला 35% हो गया, नहीं हो गया, इसको इसमें से माइनस किया, 30% वोट का डिफरेंस आना चाहिए, विच इज इक्वल टू 600, तो टोटल वोट्स बिकम 2000, ठीक है। 4000 गलत हो गया, रितिक डिलीट मत किया करो यार, कोई बात नहीं, गलत हो गया तो हो गया, 2000 वोट्स आ गए, ठीक है। अब अगर वो पूछता कि वोट्स बाय वन बाय द फर्स्ट कैंडिडेट, तो आ जाता 200 का 65%। 200 का 65% क्या आ गया भाई, 1300। बोल देता भाई वोट्स बाय द सेकंड कैंडिडेट 700, ठीक है। अब कई बार ये पूछ लेता है हाउ मेनी मोर वोट्स आर रिक्वायर्ड बाय द सेकंड कैंडिडेट सो दैट ही कैन बी अ विनर, राइट। तो ये नहीं कहना कि 601 वोट चाहिए, ध्यान रखना ही जस्ट नीड 301 वोट्स, बिकॉज अगर 300 इधर से जाएंगी, 300 इधर आ जाएंगी, तो दिस विल बी हैविंग 1000 वोट्स एंड इट विल बी ऑल्सो हैविंग 1000 वोट्स। सो इसको एक और कम कर दो, 999100, दैट विल बी द नंबर ऑफ वोट्स दे विल बी, ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन खुद करके दिखाओ बेटा फटाफट, आई वॉन्ट ईच वन ऑफ यू टू आंसर दिस क्वेश्चन। जो जो भी लोग हैं लाइव देख रहे हैं भाई, बहुत अच्छा। मेरे पास बहुत सारा कॉल जा रहा है कि सर आपका पर्सनल बैच कौन सा है। से बेटा पर्सनल बैच एक हमने बनाया था फेबुलस 40, वो तो पैक हो चुका है, उसमें अभी कोई सीट नहीं है। अदरवाइज इन टोटल ऑल माई बैचेज आई टेक 100 टोटल स्टूडेंट्स एवरी ईयर। मैं 100 ही बच्चे पर्सनली टीच करता हूँ, बाकी बच्चे यूट्यूब पे पढ़ते हैं। उसमें अभी लास्ट जो बैच है हमारा, लेटेस्ट बैच जो है, और लास्ट बैच आप कह सकते हैं कैट 2020 का, ठीक है, वो जो है हमारा, दिस बैच इज क्लोजिंग ऑन, राइट, दिस बैच इज क्लोजिंग ऑन योर 10th of July, ठीक है। 10 जुलाई को ये बैच हमारा नया स्टार्ट होगा, मतलब 10 जुलाई तक ही आप उसका पार्ट बन जाते हैं। देयर आर ओनली 20 सीट्स आर लेफ्ट इन दिस बैच, राइट। तो जो कोई पार्ट बनना चाहते हैं कर सकते हैं, बट दिस इज ओनली लास्ट चांस टू बी स्टडिंग फुल कोर्स। ओके, सो टू कैंडिडेट फॉट एन इलेक्शन, एक को 72% वोट मिला, 660 वोट से मिल गया, 72% है, और ये वाला जो 28 होगा लूजर का, डिफरेंस हो गया 44%, 44% इज इक्वल टू 660, ठीक है, 44% इज द 660। या शुभम गोयल, यू कैन कॉन्टैक्ट एट दिस नंबर, राइट, इट विल बी आउट विद इन फ्यू डेज, द प्रोसेस विल बी आउट विद इन फ्यू डेज। सो दिस इज 44%, राइट, 44%, एंड 44% इज दिस थिंग, डिवाइड बाय 44 इंटू 100, कट कट फटाफट, ये 15 आ गया भाई, हमारा आंसर आ गया 1500, ठीक है। तो जीतने वाले कैंडिडेट के 1500 हो गए और लूजर कैंडिडेट विल बी गेटिंग 1500, नहीं, विनर कैंडिडेट वी हैव टू कैलकुलेट, ये तो टोटल पूछा था ना हमने, टोटल इज 1500 इंटू 72, टोटल विल बी 1080 एंड द लूजर विल बी 420, उसके साथ तो 420 हो गया, राइट। ओके, शैल वी गो अहेड विद द क्वेश्चन, ए का सैलरी 80% है बी की सैलरी से, वेयर एज बी का सैलरी 80% है सी की सैलरी का,
A's salary is 80% of B's salary, whereas B's salary is 80% of C's salary, right? Now, what is percentage of C's salary? ये ध्यान रखो, जहाँ of लगा है वो base में आएगा, ठीक है? Of जिसके साथ लग गया वो base में आ जाता है. Of C, जिसको जिसके ऊपर लेना है, right? Upon which we have to calculate, that is C. So is A's salary. So we know A by B is equal to 80%. And B by C is equal to again 80%. So A by B into B by C will be 80% is 80%. It will be 64%. So this is called percentage of percentage. ये आपको DI में बहुत काम आएगा. Double chart बनता है ना. मान लीजिए इंडिया में total जो car sale होता है उसका 60% car is sold by Maruti. And Maruti has 30% cars sold are, let us say, Swift. So what is the share of Swift? So it will be 60% is 18% again. Total ka 18% is your Swift. Got it everyone? Shubham, Akriti, Nivedita, Jayesh Chandani. Very good, very good. Theek hai bhai? Bahut hi badhiya, bahut hi achha. Theek hai? So ye aapka answer aa jayega. Kya aa jayega answer aapka? 64 aa jayega. Theek hai? 64. Okay, next question. ये एग्जाम टाइप क्वेश्चन है, देखते हैं कौन सबसे पहले इसको आंसर करता है. दिस क्वेश्चन इज अगेन बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ परसेंटेज. किसके बेस पे है भाई ये? परसेंटेज ऑफ परसेंटेज के बेस पे है ये क्वेश्चन. ध्यान से कीजिएगा. दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन परसेंटेज ऑफ परसेंटेज. टोटल मार्क्स आर 250, राइट? कैंडिडेट शुड ऑब्टेन 40% मार्क्स, राइट? सो 75 इज अ रॉन्ग आंसर शुभम गोयल, राइट? 75 रॉन्ग आंसर है. क्यों रॉन्ग है? क्योंकि ही स्कोर्ड 10% लेस देन व्हाट? लेस देन ऑफ द 10% लेस देन ऑफ द नॉट टोटल मार्क्स, लेस देन ऑफ द पासिंग मार्क्स. 250 का 40% आ गया हमारा भाई 100 इज पासिंग मार्क्स एंड ही स्कोर्ड 10% लेस देन पासिंग मार्क्स. सो 10% लेस देन पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा आपका? व्हाट विल बी 10% लेस देन? इट विल बी 90. अदरवाइज अगर उसने बोलता 10% लेस, राइट, तो फिर वो गड़बड़ हो जाती. फेलू के नंबर कितने आए? 90 आए. वन मोर क्वेश्चन एवरीवन. सो 33.33 है, इसको बेटा 1/3 ले लोगे ज्यादा बेटर रहेगा, अदरवाइज फ्रैक्शन में चला डेसिमल्स में आ जाएगा, होगा नहीं. तो 450 मार्क्स पे पास होता है भैया, 1/3 ले लो उसका. 1/3 ले लिया, 150 आ गया. नाउ पास राजा स्कोर 20% मोर देन दैट, तो इसका 20% विच इज 30. So the marks obtained is 180. Arindam Khan, very good. Akriti Gupta, 108 beta, galat ho gaya aapka. It's wrong. Ajay Jain, absolutely right. Ajay Jain, bilkul sahi hai aapka question. Aur uske baad, bahut hi badhiya aapne sawal kiya hai, answer diya hai. Jayesh Chandani, galat ho gaya beta ji, galat ho gaya Jayesh. Right? 180 should be the answer. नेक्स्ट क्वेश्चन. खर्चा सिंह स्पेंड्स 40% ऑफ हिज इनकम ऑन रेंट, राइट, एंड 20% ऑफ द रेस्ट ऑन फूड. बाकी का 20% किस पे खर्च करता है? फूड पे खर्च करता है. 25% ऑफ द रेस्ट ऑन एंटरटेनमेंट, राइट, सेव्स द रेस्ट, बाकी बचा हुआ वो बचा लेता है. फाइंड हिज एनुअल सेविंग इफ ही अर्न्स दिस थिंग. दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज अ टिपिकल ऑफ क्वेश्चन फ्रॉम परसेंटेजेस. ठीक है, जो अभी तक मैंने करवाया वो सब बेस था, राइट, कहाँ तक? यहाँ से ऊपर. थैंक यू अखिलेश भैया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, एंड थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट. प्लीज़ डू शेयर दिस थिंग एंड होप दिस वीडियोज़ आर हेल्पफुल टू यू. तो खर्चा सिंह भैया 40% खर्च, ये है परसेंटेज ऑफ परसेंटेज ऑफ परसेंटेज, इसमें मैंने रेजिड्यूल भी लगा दिया. तो ये टिपिकली आपका हेल्प करता है कैट एग्जाम में, क्वेश्चन आता है. तो हम लेते हैं इस क्वेश्चन को, देखते हैं कौन करता है. लवनेश पपनेजा, वेरी गुड. 180 पिछले क्वेश्चन का आंसर, आई थिंक इस क्वेश्चन का. खर्चा सिंह का आंसर बताइए मेरे को.
ठीक है, 6,000 रुपया टोटल सैलरी हो गया भैया उसका, उसका 40% चला गया कहाँ पे, रेंट में चला गया, 40% रेंट में चला गया, तो इसका 40% निकाल लेंगे, 2400 विल गो इन रेंट, आई एम लेफ्ट विथ 360, इज इट क्लियर, 3600, राइट, वेरी गुड राहुल, बहुत फास्ट निकाल दिया भैया आपने, राइट, एंड देन ही गोज, ही सेज, यू नो 20% ऑफ द रेस्ट, पॉइंट टू बी नोटेड माई लॉर्ड, 20% ऑफ द रेस्ट बोल रहा है ये, 20% ऑफ द रेस्ट, बाकी बचे हुए का 20%, राइट, सो दैट विल बी योर 20% ऑफ दिस 720, माइनस 720, ये करके आ गया भैया 2880, राइट, एंड देन 2880 के बाद, 2880 के बाद 25% ऑफ द रेस्ट, इसका फिर 25%, विच इज अगेन 720, सब्ट्रैक्ट किया मैंने, इट विल बी 2160, राइट, 2160 शुड बी द आंसर, क्या क्या बताए जा रहे हैं भाई, मेरे को समझ नहीं आ रहा आप क्या क्या आंसर दे रहे हो, आरको प्रभुदास, यू नो राहुल गर्ग 1260 कैसे आ गया, अरमानदीप 10800 कैसे आ गया, 2180 आना चाहिए, हाँ अखिलेश पांडे जी आंसर बताइए फटाफट, 2160 आ रहा है नहीं आ रहा है, आर यू क्लियर विद दिस 6000 वाला क्वेश्चन और नॉट क्लियर विद दिस, टू वन सिक्स जीरो दोबारा बता देता हूँ भैया, 6000 है इसमें से 40% उड़ा दीजिए, 40% उड़ा दिया हमने, 2400 गया, वट वी आर लेफ्ट विद दिस, कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग क्या करते हैं कि भैया 40 और 20, 60 और 25, 15% बच गया, 15% इसका ले लेते हैं, 15%, 900 आंसर दे देते हैं, वो गलत हो जाता है, कृष्णा जैन बता रहा हूँ बेटा, दोबारा बता रहा हूँ, ये हो गया हमारा 26,000 था ना, 6,000 कमाता है भैया राहुल भैया, खर्चा सिंह हमारे, 2400 रेंट पे दे देते हैं, बड़ा महंगा जमाना है नहीं भाई, तो क्या बच गया उसके पास, 3600 रुपये बच गया, अब इसमें से वो 20% किस पे दे देते हैं, फूड पे दे देते हैं, 20% फूड पे दे देते हैं, 20% फूड पे दिया, क्या आ गया भाई, 720 आ गया, फूड माइनस कर दिया गया, क्योंकि 20% ऑफ द रेस्ट है, ये ध्यान देख रहे, 20% ऑफ द टोटल नहीं है, 20% ऑफ द इनकम नहीं है, 20% ऑफ द रेस्ट जो बच गया उसका, और 20 ये बच गया 2880, राइट, ठीक है, फिर उसमें से 720 फिर चला गया क्योंकि 25% है, तो ये 2160, इसको हम रेजिड्यूअल वैल्यू मेथड से कर सकते हैं, बताता हूँ कैसे करेंगे रेजिड्यूअल से, राइट, रेजिड्यूअल से कैसे करेंगे कि भाई 6000, तो 6000 लिखा हमने इनटू 40% उड़ गया ना भैया, 40% उड़ गया, निवेदिता सिंह बिल्कुल सही है, तो 60 बच गया, यो 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 हनी सिंह, हनी सिंह जी हमारे बहुत अच्छे टीचर हैं, बहुत कुछ सिखाते हैं दुनिया को, ठीक है, जानते हैं ना सब लोग, यो यो हनी सिंह, ठीक है, तो ही इज अ वेरी यू नो ग्रेट मैन, तो इनटू 80/100 इनटू 75/100, आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम डूइंग, आई एम टेकिंग, दिस इज गॉन, व्हाट इज लेफ्ट 60%, दिस इज गॉन, व्हाट इज लेफ्ट 80%, दिस इज गॉन, व्हाट इज लेफ्ट 75%, राइट, क्योंकि वो बताते हैं ना कि भाई पिंडी ले आओ, चार्जर ले आओ, है ना, कुंडी लगा के आओ, ईमानदार भी बहुत है हमारे हनी भाई साहब जो हैं, वो क्या करते हैं, आपको बोलते हैं कि भाई जो जीन चेंज करनी है वो, राइट, रेंट पे लेके करनी है, फ्री में नहीं, ऐसे टाइम पास नहीं करना, फ्री रेंट पे ले करो, वेरी गुड, तो 0 से 0 कट हो जाएगा बेटा, ये 0 से ये कट गया, ये 0 से ये कट हो गया, ये वाली 0 से ये कट हो गया, एंड 6 पे ये 3 आ गया, ये 5 आ गया, ये 15 आ गया, तो 15 इंटू दिस 120, 720 इंटू 3, 2160, गॉट इट,
practice, dear, practice, right? So the answer for this question is going to be 2160. Kis kis ka 2160 aaya? Please raise your hand. ठीक है, उन सभी को मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, जिन जिन का भी आंसर 2160 आया है, बहुत बढ़िया है. ठीक है, जैसे अजय जैन जी, राहुल गर्ग जी, सोनिया सिंह, ऋतिक का, अनिंदम कौन का, निवेदिता सिंह का, राइट, इन सब का आंसर जो आया है, सो इनका आंसर आया 2160, जो कि गलत जवाब है. ठीक है, मोगेम्बो खुश हुआ, राइट. अरे सर, इतना तो टाइम लगा के निकाला, गलत कैसे हो गया, राइट? क्योंकि एनुअल सेविंग्स पूछा था, खर्चा मंथली दिया हुआ है. भावना सिंह सही पकड़े हैं, इनटू 12 हो जाएगा भैया, 0 2 9 3, सो ये आ जाएगा, नहीं 2 5 2 5 9 2 0, या ठीक है, ये गड़बड़ नहीं कराना भैया, ये बहुत इम्पोर्टेंट है. बहुत लोग ये गड़बड़ करके आते हैं, राइट, खास करके जब टीटा क्वेश्चन जब से आना शुरू हुआ है ना, तो ये टाइप का ध्यान रखने का है. ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन. ये क्वेश्चन मेरे को आप खुद करके दिखाएंगे, आई वॉन्ट द फाइनल आंसर, और मेरे को उम्मीद है कि ये सब लोग सही करेंगे. ये सही कर लिया तो आप समझ लीजिए आपने परसेंटेज का काफी कुछ समझ लिया. राहुल टिरके, आज की क्लास में भाई सब लोगों ने हैशटैग सोगो, हैशटैग परसेंटेज और हैशटैग मिशन कैट, ये लिख के कमेंट करने हैं कि आपको क्लास कैसा लगा, ताकि ये वाला परसेंटेज का क्लास धूम धमाल हो जाए. जिन जिन को परसेंटेज क्लास ढूंढे, तो दे शुड बी एबल टू फाइंड दिस क्लास एज हेल्पफुल टू देम. ठीक है, ओके भैया. बच्चा भैया क्या करते हैं, बच्चा भैया 20% करते हैं रेंट पे, 20% लेके रेस्ट फूड पे, 37.5 किस पे, 8000 हमारा टोटल है. फटाफट, अभी तक आंसर आया नहीं है किसी का मेरे पास, राइट. क्या करने का भाई, देखो क्या करने का, तो हमने क्या करना है, 20% खर्च हो गया तो लेफ्ट आउट इज 80%, 20% फिर खर्च हो गया, लेफ्ट आउट इज 80%. तो इनको फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं ना, 20% होता है 1/5, तो 1/5 उड़ गया तो 4/5 बच गया भैया, तो इधर भी 1/5 उड़ गया तो 4/5 बच गया, इधर 37.8, 3/8 उड़ गया तो 5/8 बच गया. सो वी आर आस्क्ड व्हाट इज बच गया, जो बच गया, जो डर गया वो मर गया, नहीं, डरने का नहीं है. सो 8000 इंटू 4/5 इंटू 4/5 इंटू 3/5/8, क्योंकि 3/5/8 तो खर्च हो गया नहीं, तो 5/8, तो ये कट कट कर दो, 5 से ये गया, इधर से ये 2 आ गया, 5 और 2 10, एक जीरो उड़ गई यहाँ से, 3200 रुपया, 3200 इज योर नेट सेविंग. और इसको 12 से गुना कर देंगे. विशाल ठाकुर जी, आपने वही गलती कर दी सबने, बाकी सबने बिल्कुल सही निकाला है. बहुत ही बढ़िया भैया, जो जो लोगों का आंसर आ गया है, बहुत ही अच्छा है, थैंक यू वेरी मच. आपको समझ में आ गया, हम आगे चलते हैं. ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है. ठीक है, दिस इज ए डिट्टो एग्जाम क्वेश्चन. एग्जाम क्वेश्चन क्या कहता है भाई, 55.55%, ये आपको पता होना चाहिए, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 5/9, राइट, इजी हो जाएगा, अदरवाइज 55.55 करोगे तो गड़बड़ हो जाएगी. रेस्ट आर फीमेल, अगर 5/9 फीमेल है तो 4/9 मेल, नहीं नहीं उल्टा, ये मेल रहा, ये फीमेल रहा. अब 60% लिटरेट है और 40% आर
40% फीमेल इलिटरेट है, ठीक है। अब ये भैया जो है कहानी वेन डायग्राम टाइप कहानी बन जाती है, और टिपिकल कैट क्वेश्चन है ये आपका, राइट। तो कितना पॉपुलेशन है भैया? 900 मिलियन। तो 900 मिलियन छाप दिया हमने, 900 मिलियन लिख दिया, ठीक है, वी रोट 900 मिलियन। सो व्हेन वी नो दिस इज मेल, लेट अस से दिस इज मेल एंड दिस इज फीमेल, सो हाउ मेनी आर मेल? 5/9, तो 500 मिलियन हो गया। हाउ मेनी आर फीमेल? 400 मिलियन। सो मेल लिटरेट कितने हैं, मेल के लिटरेट कितने, इसका इस वैल्यू का हम कितना निकालेंगे? 60% निकालेंगे, 300 आ जाएगा। फीमेल में लिटरेट कितने हैं? 40%, 160 आ जाएगा। इलिटरेट कितने हैं? ऑब्वियसली राइट, ये 200 आ गया, ये 240 आ गया। सो दिस कम्स आउट टू बी 460, दिस कम्स आउट 440। क्या पूछ रहे हैं हमसे? दे आर आस्किंग दैट फाइंड द परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन दैट इज लिटरेट। तो लिटरेट कितनी है? 460 आउट ऑफ 900, 460 डिवाइड बाई 900 इन 200, तो ये 51 1/9। ये जीरो से जीरो के कट हो जाएगा, इसको डिवाइड करोगे तो ये इतना परसेंट आ जाएगा, 460। बेटा परसेंटेज पूछा है अनिंदम कौंड जी, परसेंटेज पूछे रही, तो या तो 51.1/9 लिखो या 51.1111 लिखो, ठीक है। अच्छा, अगर हमें ये 900 नहीं दिया होता तो भी क्या ये क्वेश्चन निकल सकता था? क्या तो भी ये क्वेश्चन निकल सकता था? कैसे निकल सकता था? हाउ मेनी आर लिटरेट? 5/9 इंटू मेल है, मेल की बात कर रहे हैं, 6/10 प्लस 4/9 इंटू 6 4/10, तो ये आ गया 30 46 46/90 इंटू 100, क्योंकि परसेंटेज लेना होगा ना, दिस विल ऑल्सो गिव द सेम वैल्यू, ठीक है। और शॉर्टकट करा देते हैं, अगर मेलवा और फीमेलवा बराबर बराबर होते तो हमारा आंसर 50% नहीं आ जाता, ठीक है, 50 आ जाता नहीं। अब मेलवा थोड़ा सा ज्यादा है तो आंसर 50 से थोड़ा ज्यादा होगा। इसके लिए भैया एवरेज की क्लास देख लीजिएगा, एवरेज का 1 और 2 क्लास है, उसमें मैंने बहुत मस्त मस्त रूल कराए हुए हैं, जैसे कि रूल है जिसकी लाठी उसकी भैंस, यहाँ पे लगा दिया हमने, राइट, जिसकी लाठी उसकी भैंस, ये वाला आ गया हमारा, ठीक है। ओके, शैल वी मूव अहेड? बोलो भाई आगे चले। ओके ओके, नेक्स्ट इज योर सक्सेसिव चेंज। सक्सेसिव चेंज कैसे निकालते हैं? कि पहले कुछ इंक्रीज हो गया, फिर इंक्रीज हो गया, तो जब ये दोबारा इंक्रीज होता हुआ, ये बड़े हुए पे इंक्रीज होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मोबाइल का प्राइस 200 था, 10% बढ़ा दिया, ठीक है, तो ये 220 हो गया। अब फिर 10% बढ़ा दिया, अब ये जो 20% नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो दोबारा वैल्यू बढ़ी है वो 220 पे बढ़ी है, इसीलिए ये 242 हो जाएगा, तो जो नेट चेंज है वो 21% आ गया। समझ आया क्यों आया 21%? क्योंकि क्यों आया भाई 21%? क्योंकि भाई हमारा जो वैल्यू है वो कैसे चेंज होता है? 21% चेंज होता है। कैसे चेंज होता है भैया ये, राइट, क्योंकि ये जो है बेस चेंज हो गया। तो मान लो ये से 100% था, तो 10% चेंज हो गया हमारा, तो ये 100 तो रहा ही रहा, तो 110 हो गया, अभी 10 और आ गया एक्स्ट्रा, तो अब जो चेंज होगा वो किस पे होगा? 100 पे तो 10 चेंज हो गया ही होगा, इस 10 पे भी एक्स्ट्रा 1% चेंज हो जाएगा, तो ये आ गया 21%। तो इसको सीधा सीधा क्या कर सकते हैं, सिंपल क्या करेंगे हम, 10 + 10 + 10 × 10/100, तो ये आ गया 21%। ये वाला जो 100 है ना, इसके नीचे है बिल्कुल, ये थोड़ा चला गया ना, थोड़ा
फिसल गया इसका पैर, जवानी में है थोड़ा सा, इसीलिए पाँव फिसल गया इसका। वापिस चलो भैया, अभी ऐसे हम वापिस नहीं ले जा सकेंगे इसको, आप समझ लीजिए ए और बी के नीचे नहीं है। हम दोबारा लिख देते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ठीक है, एक और एग्जांपल देता हूँ, 15% और 20% का एग्जांपल देता हूँ मैं। तो क्या हो गया भाई, 100 वाला वैल्यू था, पहले 20% बढ़ाया 120 आया, फिर इसका 15% आया 138, 18 आ जाएगा 15%, 12 प्लस 6 18, 12 प्लस 6 18, 138, तो टोटल 38% आ गया। कैसे आया, 15 प्लस 20 प्लस 20 इंटू 15 अपॉन 100, कट कट फटाफट आंसर आ गया हमारा, क्या आ गया भैया हमारा आंसर, आंसर आ गया 38। ठीक है, तो चार केस बन सकते हैं हमारे, इंक्रीज इंक्रीज, इंक्रीज के बाद डिक्रीज, इंक्रीज के बाद नहीं, डिक्रीज के बाद इंक्रीज, या डिक्रीज के बाद डिक्रीज। ठीक है भाई, नेट नेट कर सकते हैं, ठीक है, वेरी गुड। तो कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ये मेरे को करके दिखाइए, सारे के सारे नहीं करने हैं, नेट चेंज बताना है, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, ये ए का वैल्यू है, ये बी का वैल्यू है, ये क्वेश्चन करेंगे और ये वाला करेंगे, ये वाला करेंगे और ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये पांच क्वेश्चन करके दिखाइए मेरे को फटाफट। फाइव क्वेश्चन एक साथ, दिस इज योर 21%, दिस इज योर 56%, दिस इज योर 38%, दिस विल बी योर 61%। फटाफट देखो ना, 40 और 15 55 हो गया, 40 एंड 15 55 प्लस इसका ये परसेंट विच मीन 6। नाउ दिस विल बी स्लाइटली ट्रिकी बिकॉज 20 माइनस 10 10, 10 में से 2 और माइनस आ जाएगा, 8% आ जाएगा। कैसे देखेंगे इसको, 20 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 10 इंटू 20 बाय 100, सो दिस विल अगेन बी योर 12%, राइट, दिस विल बी योर, दिस विल बी प्लस 20 माइनस 20 गोज आउट माइनस 4%। और ये वाला क्या हो गया भाई आपका, ये वाला माइनस माइनस 25 माइनस 25 माइनस माइनस प्लस माइनस 27 प्लस 5 माइनस 40%। सार्थिक बत्रा, कृष्णा जैन, निवेदिता, आकृति, बहुत ही बढ़िया भैया। जो लोग ऑफलाइन देख रहे हैं वीडियो पॉज करके ये सारे कर लीजिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए ही है ना, इट विल बी हेल्पफुल टू यू। अच्छा, इसमें अभी तीन चीज देखिए भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, तीन चीज देखने का है, बहुत अच्छा तीन चीज है। क्या तीन चीज है बहुत अच्छा, वो क्या है भाई, वो है ये वाला चीज। क्या, पहला चीज कि जब दोनों प्लस होते हैं तो मेरा जो वैल्यू होता है वो प्लस से प्लस होता है, ठीक है, ठीक है। जब एक प्लस होगा एक माइनस होगा तो मेरा वैल्यू नेट वैल्यू से कम होगा, देखा ना, या कम हो गया, 10 आ रहा था 8 ही आया। जब मेरा दोनों माइनस है, दोनों माइनस है तो जितना कम हो रहा है उससे कम कम हो रहा है, राइट, यस नो, तो हम क्या कहेंगे, ज्यादा 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 होता है, कम 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 होता है, मोर मोर मोर, लेस लेस लेस, लमा लमा लमा, लमा लमा लमा, लेस लेस लेस, मोर मोर मोर, लमा लमा लमा, ये वाला क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है। जब दो बार लेस हो गया
मतलब अगर मैंने -30 और -40 कर दिया तो ये -70 हो गया ना एक्चुअली, तो -70 नहीं होगा, -70 से कम होगा, ठीक है। डिड यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? ये बहुत काम आएगा हमारे, इट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू। ये हम परसेंटेज के क्वेश्चन में और प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन में इसको बहुत ज्यादा यूज करेंगे, ठीक है जी। आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन है, फटाफट मेरे को इसका आंसर लिख के दीजिए, देखते हैं भाई कौन इसका सही जवाब देता है, ठीक है। सुमन का इनकम 30% से इंक्रीज किया और फिर उसको 20% से डिक्रीज कर दिया। अब हमें पता है कम ज्यादा, ये कम ज्यादा है ना, तो कम ज्यादा कम ही होता है, तो क्या होगा भाई, 30 प्लस हो गया, -20 हो गया, -6 हो गया, 4% आ गया, ठीक है। यस, आई विल टॉक अबाउट ऋतिक, अगर 3 बार सक्सेसिव चेंज आए या 4 बार चेंज आ जाए वो हम करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट वाली जब मैं क्लास लूंगा ना तब मैं करवाऊंगा आपको कंपाउंड इंटरेस्ट वाली क्लास के अंदर के उसको कैसे करने का है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट वाली क्लास में उसको हम डिटेल में करेंगे, ठीक है। वो कई बार चेंज आ जाते हैं क्योंकि दैट कॉन्सेप्ट टर्न्स आउट टू बी कॉन्सेप्ट ऑफ यू नो, उसका भी शॉर्टकट है, कंपाउंड इंटरेस्ट में सिखा देंगे आपको। प्राइस ऑफ राइस इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 20% देन डिक्रीज्ड बाय 15%, +20 -50 क्या आ गया, -3 2%। इज इट ओके विद एवरीवन? ये अलग अलग क्वेश्चंस हैं, बेस वो है, उसको जैसा मर्जी, जैसे आप खाते हैं ना भाई, खाना खाते हैं मटर पनीर, शाही पनीर, राइट, कढ़ाई पनीर, पनीर बटर मसाला, है तो पनीर ही है ना भाई, और वो बनाता भी ऐसे ही है, एक मेन कॉमन ग्रेवी तैयार करके रख लेते हैं, पनीर रहता है बस, उसमें जो जैसा बनना ला वैसा डाल दिया, वैसे ही आपने इधर करना, बेसिक परसेंटेज करके रख लो तैयार, और फिर जो क्वेश्चन ने मांगा वो बना के दे दिया उसको, राइट। अब एक हमने ये भी ऑब्जर्व किया था कि अगर मेरा सेम प्लस हो और सेम माइनस हो तो नेट नेट नेगेटिव होता है, क्या होता है, नेट नेट नेगेटिव होता है, प्लस नहीं आता, नेगेटिव आ जाता है नेट नेट। तो भैया इस केस में क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू इन दिस सिनेरियो, ठीक है, इस केस में हम क्या करेंगे बताते हैं, इस केस में हम क्या करेंगे, इस केस में हमारा जो होता है जब प्लस आर हो गया माइनस आर हो गया, पहले आर बढ़ा दिया फिर आर कम कर दिया, तो ये तो गया ना वापिस, बट आर इंटू आर बाई 100 माइनस होगा, तो माइनस आर स्क्वायर बाई 100। ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है कि पहले हमने 10% इंक्रीज कर दिया फिर 10% डिक्रीज कर दिया, बताओ नेट चेंज क्या होगा, भैया नेट चेंज -1%। अच्छा, अगर 15% इंक्रीज किया और 15% डिक्रीज किया, 2.25% 2.25, क्योंकि 15 का स्क्वायर क्या होता है 225 माइनस। आई होप ये क्वेश्चन बहुत आराम से आप कर पाएंगे, ठीक है। प्राइस ऑफ पापी पापड़ इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाय 30% देन डिक्रीज्ड बाय 30%, 30 ऊपर मारा 30 नीचे मारा, क्या हो गया भैया, क्योंकि उतना ही इंक्रीज उतना ही डिक्रीज है नहीं, -9%, ठीक है। यस नो ओके, ये वाला क्वेश्चन सब लोग खुद करके बताएंगे, आई नो एवरीवन कैन डू दिस क्वेश्चन। क्विक क्विक, या -1.44% या 1.44% डिक्रीज, ठीक है। अब आ गया हमारा आज का लास्ट टॉपिक, जो कि हम बोलते हैं कम 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 होता है, ज्यादा ज्यादा ज्यादा। अगर आपने देखा हो यहाँ पे इसका नेट इम्पैक्ट क्या आएगा, नेट इम्पैक्ट किसका, कभी ये जीरो भी तो आ सकता है, देखते हैं। अगर +25 कर दें और -20 कर दें तो बताओ नेट क्या आएगा, +25 -20 +20 × -20 तो ये माइनस हो गया, डिवाइड बाय 100 तो ये आ गया 25 -20 -5 0। तो मतलब क्या हुआ,
25% increment is equivalent to 20% decrement. Did you understand that? Right? तो ये हमारा क्या काम आएगा, ये हमारा काम आएगा कि अगर मेरा कोई वैल्यू इंक्रीज हो गया, आर परसेंट इंक्रीज हो गया, तो बेसिकली ठीक है, बेसिकली क्या हो गया कि भाई 100 वाला वैल्यू कितना बन गया, आर इंक्रीज हो के 100 प्लस आर हो गया, नहीं, अब आर बाय 100 प्लस आर उसको डिक्रीज करना होगा, ठीक है। और अगर आर परसेंट डाउन हो गया तो आर अपॉन 100 माइनस आर डाउन करना होगा। इसको एग्जांपल से करते समझ में आएगा। जैसे आपका कुछ भी प्राइस है, दिस इंक्रीज्ड बाय 20%, ठीक है, तो 100 वाली वैल्यू 120 होगी। नाउ इक्विवेलेंट डिक्रीज विल बी 20 upon 120 into 100, which is equal to 16.66%. Now, if 100% वो डिक्रीज हो गया पहले, तो ये 80 आ गया, 80 से वापिस आना है तो 20 इंक्रीज करना पड़ेगा, which is equal to 25%. तो आप क्या देख रहे हैं कि अगर 20% डिक्रीज हो रहा है तो इसका इक्विवेलेंट होगा 25% इंक्रीज, और अगर 20% इंक्रीज हो रहा है इसका इक्विवेलेंट होगा 16.6% डिक्रीज। ये समझ में आ गया? अच्छा, अगर इसी में एक करते हैं कि अगर मान लो भैया हमारा 26% इंक्रीज हुआ तो डिक्रीज विल बी 26 upon 126। अगर हमारा 15% डिक्रीज हुआ तो इंक्रीज इज गोइंग टू बी 15/85, ठीक है। और फार्मूला याद ही है आपको, कम 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 होता है, ज्यादा 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 होता है। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाएंगे, देखते हैं कौन कौन आंसर करता है इसको। रवि का इनकम 20% मोर है राम से, तो राम का इनकम रवि से कितना कम होगा, ठीक है। तो रवि का ज्यादा हो गया ना भाई, तो अगर इनकम ऑफ रवि, राम ऑफ राम है, ऑफ राम को बेस ले लो, 100 हो गया तो 120 हो गया, तो इससे कितना कम है, 20/120 होना चाहिए, 16.66%. If an examination, the marks obtained by Preeti is 20% less than that of Vandana, इसके 20% less हैं, तो 80 रह गए ना उसके, वंदना के 100 हो गए, तो वंदना के इससे कितने ज्यादा है, 25% more. Okay, very good Rahul. एवरीवन, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यार, बहुत बार एग्जाम में आते हैं और बहुत जगह ये हमारा एप्लीकेबल होगा। ये समझ लिया तो बात समझो काम खत्म हो गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आई होप यू ऑल एंजॉयड द वीडियो। अभी इसके बाद आपने प्रैक्टिस सेट करना है MQT 201, CTE क्लास टेस्ट करेंगे, उसके बाद MQT 201 ए ये असाइनमेंट भी मिलेगा। ये दोनों चीज़ें मिलेंगी आपको आपके ऐप के ऊपर, राइट, और इसको दीजिएगा, राइट, और मेरे को बताइएगा। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़रूर करें। और आज का क्लास आपको कैसा लगा, #sogo, #percentage और #missioncat लिख के प्लीज़ डू राइट इन कमेंट सेक्शन, नॉट इन द चैट सेक्शन, राइट। आई होप राइट आई एवरी वन इंजॉयड। हाँ, ऐप कहाँ से डाउनलोड करना है वो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, दैट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन पार्ट, राइट। परसेंटेजेस, दिस क्लास इज द बेस क्लास, देन द नेक्स्ट क्लास इज प्रॉफिट एंड लॉस विच इज एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस वन, उसके बाद आएगा आपका प्रॉफिट लॉस टू, ठीक है बेटा। फिर इसके बाद हम करेंगे सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट की क्लास करेंगे दो, राइट, एक सिंपल इंटरेस्ट के ऊपर, एक कंपाउंड इंटरेस्ट के ऊपर। सो उसके बाद एक मैं प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगा आपको। ये टोटल 6 क्लासेस का आपका यूनिट है, ठीक है। जिन्होंने आज पहली बार देखा, थैंक यू वेरी मच बींग पार्ट ऑफ दिस लवली चैनल, आई होप यू आर एंजॉइंग। माई नेम इज सोनी गोयल। सभी लोग खुद भी आइएगा और एक एक भाई को साथ में लेके भी आइएगा। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।